आदर्श वेलफेयर सोसाइटी धौनकोटी ने बरमाना क्षेत्र में सीमेंट कंपनी द्वारा लॉकडाउन के समय में खादान क्षेत्र में काटे गए विभिन्न प्रजातियों के कथित सैकड़ों पेड़ों के मामलों की शिकायत उपायुक्त बिलासपुर से की है। सोसाइटी के प्रधान रमेश ठाकुर ने और महासचिव संजीव कुमार ने उपायुक्त बिलासपुर को शिकायत पत्र दिया है। इस पत्र में कहा गया है कि जिस क्षेत्र में पेड़ काटे गए हैं वो क्षेत्र खदान क्षेत्र के सेफ्टी जोन के पास है, जहां पर रिहायशी बस्तियां भी हैं और यहां पर इन पेड़ों को काटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शिकायत पत्र में कहा गया है कि इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचेगा और काटे गए पेड़ों में लगभग 530 पेड़ चीड़ के हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय व ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की भी यहाँ सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार केवल सूखे और टॉप ब्रोकन पेड़ ही काटे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हरे पेड़ों को भी काटा गया है तथा इसकी इजाजत वन विभाग नहीं दे सकता है। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और वन विभाग द्वारा मौके पर जो फेरिट तैयार की गई है उसमें पेड़ों के माप और प्रजाति दर्शाई गई थी, वो भी मौके पर काटे गए पेड़ों से बिल्कुल भिन्न है। सोसाइटी के प्रधान रमेश ठाकुर ने कहा कि मौके पर काटे गए पेड़ों के जो अवशेष बचे हैं उनको देखने से सच्चाई का पता लग सकता है। उन्होंने कहा कि पेड़ों के काटने के समय ना तो कोई वीडियोग्राफी की गई और ना ही एक पेड़ की जगह पर अभी तक तीन पेड़ लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला पर्यावरण से जुड़ा है और काफी गंभीर है, लिहाजा उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे ACC माइनिंग का जो बफर जोन है उसमें चील के दरख्त 500-600 दरख्त जो है काट दिए गए। हमने परमिशन कॉपी मांगी, परमिशन की कॉपी हमें नहीं बताई गई और जिलाधीश महोदय से आज एक ज्ञापन देने के लिए आए हम लोग और उनको ज्ञापन दे रहे हैं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। फॉरेस्ट का जो DFO साहब है वो एक हमारे TV चैनल क्राइम ब्रांच वाले आए थे, उनको भी बाइक तक दी और उनको बात ही नहीं सुन रहा है और इसकी मेले हमने सबको दे दी और इसका हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको दरकिनारे रखा इन्होंने और जो नेशनल ट्रिब्यूनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो गाइडलाइन है उस दिशा निर्देश से नोट पालन किया, ना इसकी कोई क्या बोलते इसकी वीडियोग्राफी की गई है और ना ही इसमें प्लांटेशन लगाई गई है। ये रूल है कि एक दरख्त काटा जाएगा तीन पेड़ उसकी वजह लगेंगे, तो इनके जो 470 पेड़ दिखा रहे हैं उसमें दोबारा काउंटिंग की गई तो 435 रूट मिले। हम बोलते हैं 588 पौधा था वहाँ पे, 588 पौधा काटा, क्या उसमें टॉप ब्रोकन था, क्या उसमें ड्राई था, है ये ग्रीन थैली एरिया था, इसमें बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़े पेड़ और कागजों में कुछ और दर्शाया गया है, साइड पे कुछ और है, साइड पे जो उसके रूट है बहुत बड़े बड़े भारी भारी है और जो लॉग ले गए उनमें हैम्बर नहीं लगाया, रूट पे हैम्बर नहीं लगाया और इस पे BO साहब बताए कि हैम्बर कहाँ लगाया। DFO साहब इस केस को हम ऊपर तक ले जाएंगे, इसका जवाब आप खुद देंगे। अगर कोई गरीब जनता एक दरख्त काटता है दो काटता है उसके ऊपर फाइन होता है, ये 600 दरख्त कहाँ से कटा, किसने परमिशन दी, किस तरीके की परमिशन आई है, इतने बड़े दरख्तों के लिए बैन लगाए हाई कोर्ट के डायरेक्शन जो थी उसको दिशा निर्देश को भी खारिज किया गया और इसकी भी अवहेलना हुई। ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो दिशा निर्देश है गाइडलाइन है उसको भी दरकिनारे कर दिया गया है।